दोस्तों, अमृता सिंह बॉलीवुड की एक ऐसी अदाकारा है जिन्होंने हमेशा अपने काम से लोहा मनवाया है। दोस्तों, अमृता सिंह का आज भी बॉलीवुड में दबदबा कायम है और हाल ही में इन्होंने बदला फिल्म से बॉलीवुड में एंट्री की है और एक मां का रोल इस फिल्म में इन्होंने जबरदस्त तरीके से निभाया है और हर तरफ इनकी चर्चा है। लेकिन अमृता सिंह की जिंदगी से कई ऐसे राज जुड़े हैं जो शायद ही आप जानते होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये राज काफी दर्दनाक है। दोस्तों, अमृता सिंह ने अपने से 12 साल छोटे लड़के यानी कि सैफ अली खान से शादी की थी। हालांकि ये रिश्ता किसी को मंजूर नहीं था, लेकिन प्यार के आगे कब किसकी चली है। और अमृता सिंह ने सैफ अली खान को अपने पति के रूप में और अपना प्यार चुना। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब सैफ अली खान और अमृता सिंह के बीच दूरियां पैदा हो गई थी और आखिरकार दोनों ने फैसला लिया अलग होने का। अमृता सिंह के पास दो बच्चे थे और इन दोनों बच्चों की जिम्मेदारी अमृता सिंह ने अपने कंधों पर उठाई थी। लेकिन हाँ, जब अमृता सिंह सैफ से अलग हुई तो उन्होंने 5 करोड़ रुपए की डिमांड भी की थी, जिसको सैफ अली खान ने टुकड़ों में भी पूरा कर दिया है और इब्राहिम और सारा की जिम्मेदारी का पूरा जिम्मा खुद ही उठाया है। लेकिन जिंदगी बहुत लंबी है, उसे अकेले बिताना काफी मुश्किल होता है और अमृता सिंह ने दोनों बच्चों को अकेले ही पाला है। और दोस्तों, अमृता सिंह से जब ये पूछा गया कि बिना पति के ही आप अपने बच्चों की कैसे देखभाल कर पाती हैं, तो इस पर उन्होंने करारा जवाब दिया कि जब जिम्मेदारी सिर पर पड़ती है तो सब कुछ खुद पर खुद हो जाता है। और अमृता सिंह से ये भी पूछा गया कि उन्होंने कभी दूसरी शादी के बारे में क्यों नहीं सोचा। वाकई ये सवाल तो हर किसी शख्स के मन में आता है और इसके जवाब में अमृता सिंह एकदम सहन सी गई, क्योंकि वे अपने दोनों बच्चों से बेहद प्यार करती हैं और उनके करियर से लेकर उनकी हर चीज का ध्यान वो रखती हैं। दोस्तों, सारा अली खान आज अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी हैं। ये एक अच्छी परवरिश का ही नतीजा तो है। ये तो माँ अमृता का ही हाथ है जिन्होंने अकेले अपने दम पर अपने बच्चों का भविष्य बनाया है। लेकिन एक माँ अपने बच्चों के लिए हर रिश्ते से गुजर जाती है। वैसे आपको बता दे कि अमृता सिंह अपने बच्चों को लेकर काफी पॉजिटिव है और उनकी आने वाली पिक्चर या फिर आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, ये इस बात का खासा ध्यान भी रखती है। हालांकि वो अपने बच्चों को उनके पिता से मिलने की भी कोई रोक टोक नहीं करती है और आए दिन उनकी बेटी को सैफ अली खान के साथ भी देखा जाता है और अमृता सिंह सैफ अली खान से मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। तो दोस्तों, आप सभी अमृता सिंह के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और बॉलीवुड की ताजा तरीन खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।